सोर्सेस ऑफ रेवन्यू लॉ एंड प्रैक्टिस तो पहली बात आती है प्राइमरी लेजिसलेशन की दिज आर एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट्स विच सेट आउट द बेसिक प्रिंसिपल पार्लियामेंट जो है वो बेसिक प्रिंसिपल सेट करती है दिस इज सेट टू बी प्राइमरी लेजिस्लेशन सेकेंडरी लेजिसलेशन दिज आर सेट टू बी स्टैचुरी इंस्ट्रूमेंट विच गिव द डिटेल ऑफ हाउ द लॉ अप्लाय इसमें स्टेचुरी इंस्ट्रूमेंट आपको डिटेल बताते हैं कि कैसे लॉ अप्लाई किया जाए देर इज टेक्निकल जार्गन यूज तो उनकी इंटरप्रिटेशन की जाती है कि इनका क्या मतलब है एंड थर्ड इज सेट टू बी केस लॉ विच इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ लेजिस्लेशन बाय कोर्ट तो लेजिस्लेशन को कैसे कोर्ट इंटरप्रेट कर रही है हाउ द कोर्ट हैज डिसाइडेड इन प्रीवियस केसेस तो दैट इज सेट टू बी केस लॉ इंटरप्रिटेशन बाय कोर्ट सोर्सेज ऑफ रेवन्यू लॉ प्रैक्टिस Uh, इनके मतलब कहा जाता है दे डू नॉट हैव लीगल फोर्स बट आर यूज़फुल गाइडेंस एंड इंक्लूड्स यानी लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए टाइम टू टाइम डिफरेंट स्टेटमेंट इशू की जाती हैं ताकि लॉ का मतलब जो है वो बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड किया जा सके बाय द जनरल पब्लिक और इंडिविजुअल्स कि जिन्हें टैक्स पे करना है एंड सम टाइम ये इंटरप्रेट किया जाता है स्टेटमेंट्स के ज़रिए ताकि टैक्स अथॉरिटीज़ टैक्सेशन जो ऑफिसर्स हैं वो भी लॉ का मतलब प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकें तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स। फर्स्ट इज सेट टू बी स्टेटमेंट ऑफ प्रैक्टिस इट प्रोवाइड्स एच एम आर सी इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स लॉ कि एच एम आर सी क्या मतलब लेता है टैक्स लॉ का ये ये स्टेटमेंट बताती है एंड ऑफन प्रोवाइड क्लैरिफिकेशन और डिटेल ऑफ हाउ रूल शुड बी अप्लाइड यह डिटेल बताई जाती है कि इन रूल्स को कैसे अप्लाई किया जाता है दिस इज नेम है स्टेटमेंट ऑफ प्रैक्टिस तो इसको अंडरस्टैंड करना इसलिए जरूरी है कि आपके पास डिफरेंट देख के बताया जा सकता है नीचे उसका डिफाइन किया जा सकता है, रिलैक्सेशन ऑफ स्ट्रिक्ट लेटर ऑफ लॉ इन सर्टन सर्कमस्टांसेस एंड कंसेशन इज गिवन वेयर ड्यू हार्डशिप और अनोमलीज़ वुड अदरवाइज अकर्स तो जहाँ पे यह समझा जाए कि लॉ का मतलब मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है या आपके पास बहुत मुश्किल से जो है वो कंसेशन जो है वो अंडरस्टैंडिंग uh, इसकी डेवलप होगी तो वहां पे इसकी कुछ कंसेशन प्रोवाइड कर दी जाती है इंटरनल एच एम आर सी मैनुअल जो कि नाम से ही जाहिर है इट्स एच एम आर ओन मैनुअल And that is produced for their staff, give guidance on the interpretation of law, they are also available to the public. Any yani manuals, apne staff ke liye, lekin public ko bhi available. Hain. HMRC website, leaflets, and booklets, these are aimed at the general public and provide explanation of various tax issues in a non technical language. यानी टेक्निकल लैंग्वेज जैसे जनरल पब्लिक नहीं समझ सकती तो इस सिंपल वर्ड्स में उन बातों को एक्सप्रेस किया जाता है टैक्स इश्यूज को एक्सप्लेन किया जाता है डिटेल टेक्निकल गाइडेंस एच एम आर सी इश्यू नोटिस एंड गाइडेंस नोट्स इनका एम यह है कि टैक्स एजेंट्स और एडवाइजर को एक्सप्लेन करें टैक्स इशू इन मोर टेक्निकल डिटेल देन इज नॉर्मली रिक्वायर्ड बाय जनरल पब्लिक यानी जितना जनरल पब्लिक को रिक्वायर है उससे ज्यादा डिटेल से कुछ चीजें एक्सप्लेन की जाती हैं इस सिलसिले में एच जो नोटिस और गाइडेंस नोट इशू किया जाता है इन्हें नाम दिया जाता है डिटेल टेक्निकल गाइडेंस एच एम आर सी ब्रीफ प्रोवाइड डिटेल टेक्निकल गाइडेंस ऑन स्पेसिफिक टैक्स इश्यूज दैट हैज हैजन इन द ईयर यानी जो नए टैक्स इश्यूज ड्यूरिंग द ईयर अराइज हुए यूजली ये उनके हवाले से गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है नाउ द टर्म टैक्स अवॉइडेंस

और टैक्स अवेशन क्या है मेन डिफरेंस इसका यह है कि दिस इज इलीगल अ पर्सन और कंपनी स्केप पेइंग टैक्स इलीगली इसकी एग्जाम्पल में कंसीलिंग टू स्टेट ऑफ अफेयर्स और प्रोवाइडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन दोनों हो सकती हैं फर्दर एग्जाम्पल की बात करें तो कोई इन्फॉर्मेशन एच एम आर सी को डिक्लेयर ना करना अबाउट द टैक्स यू ओ उस टैक्स के मतलब जो आप पे आपको पे करना है यानी अगर आप अपना बिजनेस प्रॉफिट कम बताते हैं तो कम प्रॉफिट पर आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा दैट इज अवेजन डिक्लेयरिंग रॉन्ग इनकम आप अपनी इनकम जो है वो गलत बताएं सेवन थाउजेंड की इनकम को सेवन हंड्रेड बता दें या फिर क्लेमिंग टैक्स रिफंड आप टैक्स रिफंड क्लेम करते हैं अगर आप ज्यादा पे कर दें टैक्स टैक्स अथॉरिटीज को तो यू कैन क्लेम रिफंड फ्रॉम द टैक्स अथॉरिटीज तो जितना रिफंड आपको क्लेम करना चाहिए आप उससे ज्यादा क्लेम कर रहे हैं अ पर्सन और कंपनी नॉट इंटाइटल टू वो रिफंड जिसके आप इनटाइटल नहीं और टैक्स अवॉइडेंस की अगर बात करें तो इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से है बट बिफोर दैट मैं आपको बताता चलू कि टैक्स ईयर इन यूके स्टार्ट्स ऑन सिक्स अप्रैल एंड एंड्स ऑन नेक्स्ट फॉलोइंग फिफ्थ अप्रैल यानी हमारा करंट टैक्स ईयर जिसके हवाले से हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इट स्टार्ट ऑन सिक्स अप्रैल ट्वेंटी एंड एंड ऑन फिफ्थ अप्रैल ट्वेंटी सो so, अगर आप ये समझते हैं कि इन दिस टैक्स ईयर इन मार्च 23 अगर आप अपना कोई कैपिटल एसेट बेचते हैं तो ऑलरेडी इस साल आपकी इनकम हायर रेट पे टैक्स की जा रही है बहुत ज़्यादा आपने इस साल इनकम अर्न कर ली है दैट इज वाई यू हैव टू पे टैक्स ऑन द हायर रेट तो ऐसी सूरत में आप क्या कर सकते हैं आप अपने कैपिटल एसेट को सेल करना पोस्टपोन कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ मार्च आप अप्रैल या मे में जाके सेल करें तो वो अमाउंट जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी जनरेट करने का बायस बनेगी वो नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर हो जाएगी और नेक्स्ट ईयर अगर आप समझते हैं कि आपकी इनकम जो है वो कम हो सकती है आपको कम रेट पे टैक्स पे करना पड़ सकता है तो यू कैन डू सो मीन्स कि मुझे पता है कि इस साल मेरी इनकम काफ़ी ज़्यादा मैंने इनकम अर्न कर लिया बाई चांस मुझे कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था कि जिसकी वजह से मुझे बहुत अच्छी इनकम मिलगी एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन अब अगर इसी साल मैं अपना कोई कैपिटल एसेट में बेचता हूँ तो ऐसी सूरत में उसके गेन पर मुझे हायर रेट पर टैक्स पे करना पड़ेगा अब मैं क्या करूँगा इंस्टेड ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ दिस एसेट इन करंट ईयर मैं अगले साल उसे सेल करने का तय कर लेता हूँ कि इस साल के बजाय अगले साल सेल कर दूँ तो इन दैट केस अगले साल तो शायद मेरी इनकम कम होगी और कम इनकम पे मुझे कम रेट पे टैक्स पे करना पड़ेगा दैट इज सेट टू बी टैक्स अवॉइडेंस इसे कहा जाता है टैक्स अवॉइडेंस डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट इफ ए यू रेजिडेंट पर्सन अर्न इनकम फ्रॉम यू एस एल्सो तो ऐसी सूरत में उसे उसने जो इनकम यू एस ए में अर्न किया है उस पर यू एस ए में भी टैक्स पे करना पड़ेगा और यू के में भी इसी तरह एक ऐसा यू एस ए रेजिडेंट जो कि यू के UK में कुछ इनकम भी अर्न कर रहा है तो उसे अपनी इनकम पे यू के में भी और यू एस ए में भी टैक्स पे करना पड़ता है इन दैट केस गवर्नमेंट जो है ना वो सम कंट्रीज़ के साथ डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट साइन कर लेती है जिसमें या तो उन्हें किसी एक जगह पे टैक्स एक सेम इनकम पे जो वो दो कंट्रीज में टैक्स पे कर रहे हैं तो किसी एक जगह पे उन्हें टैक्स पे करने के हवाले से रिलैक्सेशन दे दी जाती है इफ एन इंडिविजुअल इज पेइंग टैक्स ऑन ए सेम इनकम इन टू डिफरेंट कंट्रीज तो ऐसी सूरत में कुछ उन्हें कंसेशन दी जाती है इन इनकॉर्डेंस में डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट तो ये एग्रीमेंट क्या है सच एग्रीमेंट्स ट्रीटीज टेक प्रेजिडेंस आवर डोमेस्टिक यू के टैक्स लाइज एन एंड इधर एग्जेम ओवरसीज इनकम फ्राम टैक्स या तो फिर आपके पास जो भी आपकी ओवरसीज इनकम है उसे टैक्स एग्जेप कर दिया जाता है यूके और प्रोवाइड रिलीफ वे टैक्स सफर्ड इन टू कंट्रीज ऑन सेम इनकम या फिर रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है कि अगर आपको एक ही इनकम पे दो डिफरेंट कंट्रीज में टैक्स पे करना पड़ रहा हो दैट इज एट बी इन कॉर्नस में डबल ट्रीटी एग्रीमेंट डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट नाउ वी आर कंसिडरिंग अबाउट द प्रोफेशनल एंड एथिकल गाइडेंस एंड सम फंडामेंटल प्रिंसिपल एज मोस्टली जो टैक्स एडवाइजर हैं दे एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ इंडिविजुअल टैक्स पेयर और वह उन्हें गाइड करते हैं हाउ टू कैलकुलेट द टैक्स और कैसे इंफॉर्मेशन जो है वो प्रेजेंट करनी है एच एम आर सी को तो उन टैक्स एडवाइजर के लिए कुछ गाइडेंस हैं दे आर प्रोफेशनल पीपल्स देव टू फॉलो दीज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फर्स्ट इज सेट टू बी ऑब्जेक्टिविटी members should शुड नॉट अलाउ conflict कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट और influence ऑफ अदर्स टू override ऑब्जेक्टिविटी किसी किस्म का उनका biasness नहीं होनी चाहिए उनके अपने इंटरेस्ट को जो है उन्होंने consider नहीं करना ना ही किसी के influence को अपनी ऑब्जेक्टिविटी पे हावी होने देना प्रोफेशनल competence एंड ड्यू केयर अब ये प्रोफेशनल पर्सन जो है जो टैक्स एडवाइजर है इसकी ड्यूटी है कि अपनी स्किल्स अपनी कॉम्पिटेंस इस लेवल पर रखे अप टू डेट लेवल पे रखे ताकि उसका क्लाइंट जो है वो अप टू डेट सर्विसेज हासिल कर सके मेंबर्स हैव एन ऑन गोइंग ड्यूटी टू मेंटेन प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल्स टू इंश्योर दैट अ क्लाइंट एम्प्लॉयर रिसीव कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल सर्विस बेस्ड ऑन करंट डेवलपमेंट यानी वट एवर इज द चेंज दैट अकर इन द प्रोफेशन एक प्रोफेशनल पर्सन को उसके बारे में पता होना चाहिए ताकि उसका क्लाइंट जो है वो अप टू डेट सर्विसेज रिसीव करे मेंबर शुड बी डिलीजेंट एंड एक्ट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स व्हेन प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल सर्विसेज थर्ड पॉइंट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल का थर्ड पॉइंट है प्रोफेशनल बिहेवियर मेंबर शुड रिफ्रेन फ्रॉम एनी कंडक्ट that might bring discredit to the profession. act karne se hai ki jo unke profession ki ka Integrity, members should act as uh, in a straightforward and honest manner in all professional and business relationship. They should be honest and straightforward. And confidentiality, during the course of their interaction with the client, whatever information they have acquired ये उनकी ड्यूटी है कि वो इस इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखें किसी को डिस्क्लोज ना करें हाँ सर्टन जगह पे सर्टन केसेस में ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है जैसे कि कोर्ट केसेस सो मेबर शुड रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप एंड शुड नॉट डिस्क्लोज एनी सच इन्फॉर्मेशन टू थर्ड पार्टीज अनलेस दे हैव प्रॉपर और स्पेसिफिक अथॉरिटी या फिर देर इज अ लीगल और प्रोफेशनल राइट और ड्यूटी टू डिस्क्लोज लाइक अगर आपका क्लाइंट मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है तो फिर आपकी ये लीगल ड्यूटी है कि आपने ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है तब फिर आपको कॉन्फिडेंशियली का अपना प्रिंसिपल ब्रेक करना पड़ेगा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप शुड नॉट बी यूज फॉर पर्सनल एडवांटेज ऑफ मेंबर्स और थर्ड पार्टीज तो कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन आप अपने पर्सनल एडवांटेज के लिए यूज नहीं करेंगे नाउ इट इज अबाउट डीलिंग विद एच एम आर सी रिमेंबर एच एम आर सी सेट टू बी द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट ऑफ यू के और इसके हवाले से हमें यह कंसिडर करना है एज अ टैक्स एडवाइजर इफ यू आर एक्टिंग फॉर एनी क्लाइंट तो इस सूरत में आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है तो एज़ अ टैक्स एडवाइज़र पहली बात तो ये है कि आपने कोई ऐसा वे आउट नहीं बताना अपने क्लाइंट को कि जिसकी वजह से वो अपना टैक्स बचा सके और वो इलीगल हो मींस टैक्स एवेजन का कोई तरीका नहीं बताना सेकंड बात ये है कि अगर आपका क्लाइंट किसी भी तरह से कोई इन्फॉर्मेशन जो कि उसे प्रेजेंट करनी चाहिए और वो प्रेजेंट नहीं कर रहा तो ऐसी सूरत में एज अ टैक्स एडवाइज़र आप क्या करेंगे आप एक टैक्स एडवाइज़र हैं कि जो टैक्स के मामला पर अपने क्लाइंट को सजेशन देता है एडवाइस करता है उनके टैक्स के मामला डील करता है नाउ यू कम टू नो दैट योर क्लाइंट एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन वो अपने जो इनकम uh, है उसे छुपा रहे हैं या अपने जो रिफंड है उसे रॉन्गली क्लेम कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में एज अ टैक्स एडवाइज़र आप क्या कर सकते हैं आप उन्हें बता सकते हैं कि पहली बात ये कि आपको ये इंफॉर्मेशन अगर डिस्क्लोज़ नहीं करे तो डिस्क्लोज करनी चाहिए सेकेंड बात आप उन्हें यह बताएंगे कि वट आर द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ नॉट डिस्क्लोजिंग दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन अब आपने ये बातें कर दी लेकिन इसके बावजूद जो आपका क्लाइंट है वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर रहा तो अब आप क्या कर सकते हैं वेदर यू विल गो टू द एच एम आर सी और उन्हें बताएंगे आंसर इज नो अगर आपका क्लाइंट इन्फॉर्मेशन छुपा रहा है और आपके कहने के बावजूद जो है आपके कॉन्सिक्वेंस बताने के बावजूद वो उसे डिस्क्लोज नहीं कर रहा इन दैट केस आप विदड्रॉ कर देंगे कि आप उस क्लाइंट के लिए एक्ट ना करें आप सिर्फ एच को इतना बता सकते हैं कि आप अब इस क्लाइंट के लिए एक्ट नहीं कर रहे आप रीजन नहीं बता सकते राइट सो डीलिंग विद एच के मतलब बात करते हैं इट इज इंपोर्टेंट टू इंश्योर दैट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू एच एम आर सी इज एक्ट एंड कंप्लीट पहली बात तो ये इंश्योर होना चाहिए कि एच को जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो एक्ूरेट एंड कंप्लीट है अ मेंबर मस्ट नॉट असिस्ट अ क्लाइंट टू प्लान और कमिट एनी ऑफेंस तो मेंबर ये जो है जो टैक्स एडवाइजर है उसे कभी भी अपने क्लाइंट को असिस्ट नहीं करना कि वो किसी तरह से कोई ऑफेंस प्लान करे या कमिट करे और अगर मेंबर को ये पता चलता है कि क्लाइंट हैज कमिटेड अ टैक्स ए तो फिर उसने क्लाइंट से डिस्कस करना है और इंश्योर करना है इस बात को यकीनी बनाना है कि वो जो भी टैक्स इरेगुलरिटी है उसके मतलब प्रॉपर डिस्क्लोजर दिया जाए इसकी एग्जांपल क्या हो सकती हैं मतलब क्या टैक्स इरेगुलरिटी हो सकती है नॉट डिक्लेयरिंग इनकम दैट इज़ टैक्सेबल ऐसी इनकम ना बताना टैक्स अथॉरिटीज़ को जो कि टैक्सेबल है क्लेमिंग रिलीफ टू विच दे आर नॉट इन ऐसा रिलीफ क्लेम करना जिसके आप हकदार नहीं हैं नॉट नोटिफाइंग एच एम आर सी विद है मिस्टेक गिविंग राइस टू एन अंडर पेमेंट ऑफ टैक्स और इंक्रीज री पेमेंट या अगर बाई चांस मिस्टेक हो गई है आपसे और मिस्टेक के नतीजे में आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम हो रही है या आपने जो रिफंड हासिल करना है एच एम आर सी से वो बढ़ रहा है और ये मिस्टेक आप बाद में एच एम आर सी को डिसक्लोज नहीं कर रहे तो ये भी टैक्स इरेगुलरिटी है जहां पे क्लाइंट इस किस्म की एरर करता है तो इट विल बी टू नेिसाइड वेदर इट वॉज अर अट्रॉड एक्ट मतलब वाकई एरर होगी या कोई जानबूझ के इनकम छुपाने की वजह से कोई फ्रॉडेंट एक्ट किया गया जहां पे क्लाइंट ने कुछ एरर की है तो इट इज नेसेसरी टू डिसाइड एंड देन वंस एन एरर हैज़ एर डिस्कवर एक दफा एरर डिस्कवर हो जाए द शुड एक्सप्लेन टू द क्लाइंट द रिक्वायरमेंट टू नोटिफाई एच एम आर सी तो एज अ में मुझे अपने क्लाइंट को बताना चाहिए कि एच एम आर सी को नोटिफाई करने के सिलसिले में क्या रिक्वायरमेंट है और साथ ही यह भी अगर यह बात ना बताई जाए तो उसकी क्या इंप्लीकेशन हो सकती है नो इट्स अप टू द क्लाइंट इफ द क्लाइंट रिफ्यूज टू मेक अ फुल एंड प्रॉम डिस्कलोजर टू एच एम आर सी वो रिफ्यूज कर देता है कि उसने डिस्कलोजर नहीं देना एच एम आर सी को तो मेंबर को राइट एंड एक्सप्लेन करना है कि क्या इसके पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं मेंबर एडवाइजर को क्या करना है क्लाइंट को बताना है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं और कंसरिंग द अमाउंट इज मटीरियल इफ़ इट इज वेदर दे शुड कंटिन्यू टू एक्ट फॉर क्लाइंट और अगर वो अमाउंट मटीरियल है तो उसे एडवाइजर को ये भी देखना है कि उसे क्लाइंट के लिए एक्ट करना चाहिए या नहीं if the client still refuses to make a full disclosure, either full disclosure, to member he should cease to act for the client, up client, for act client. and also must also write to NCHMRC informing them that they have ceased to act to the client, but without disclosing the reason. मतलब आप एच एम को ये तो बता सकते हैं कि आप इस क्लाइंट के लिए एक्ट नहीं कर रहे लेकिन रीजन नहीं बता सकते कि क्या रीज़न है देन कंसिडर द पोजिशन अंडर द मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन हाँ अगर वो पर्सन आपके पास जो टैक्स इरेगुलरिटी की बात हो रही है वो सिर्फ टैक्स इरेगुलरिटी तक महदूद नहीं है योर क्लाइंट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग इन दैट केस आपकी पोजिशन डिफरेंट है फिर आपको टैक्स अथॉरिटीज को भी और वहाँ की नेशनल क्राइम एजेंसी को भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी चाहिए अब मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस के हवाले से जो सिंपल सा रूल ये है कि इफ़ यू थिंक योर क्लाइंट इज़ इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग अगर आपका क्लाइंट मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है तो ना आपको जो है उस अपने क्लाइंट को ये भी नहीं कहना कि आप मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं मैं आपके मतलब नेशनल क्राइम एजेंसी को या किसी और इदारे को बताने जा रहा हूँ दिस इज ऑल्सो स्पोज टू बी टिपिंग ऑफ ये भी टिपिंग ऑफ समझा जाता है मीन्स कि आप अपने क्लाइंट को हिंट दे रहे हो कि मैं तुम्हारे मुतालिक बताने जा रहा हूं तुम और छुपा लो बातों को और छुपा लो अपनी मनी लॉन्ड्रिंग को सो दैट इज वाई इफ योर क्लाइंट इज इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग आपको सिंपली जाके अपने एरिया के जो भी नेशनल क्राइम एजेंसीज हैं या जो ऑफिसर्स हैं उनको रिपोर्ट करना चाहिए So, money laundering is the term used to offend, for offences including benefiting from or concealing the proceeds of a crime. All business within our regulated sector must appoint MLRO, Money Laundering Reporting Officer, within the firm. Now, the MLRO will decide whether a transaction should be reported to NCA. NCA means National Crime Agency. Now, MLRO is कि वो ये पर्टिकुलर मैटर जो है ये ट्रांजैक्शन नेशनल क्राइम एजेंसी को बताए या नहीं वेर रिपोर्ट इज मेड द क्लाइंट शुड नॉट बी इंफॉर्म जहां पे आप रिपोर्ट करने जा रहे हैं एज एम एल आर ओ आपको क्लाइंट को नहीं बताना एज दिस बी अमाउंट टू टिपिंग ऑफ इसको ये कहा जाता है कि दिस इज टिपिंग ऑफ जो कि अफेंस है आप हिंट दे रहे हो किसे अपने क्लाइंट को कि मैं आपके मुतालिक बताने जा रहा हूँ तो आप मजीद छुपा लो अपनी ट्रांजेक्शंस को A report टू NCA does not remove नॉट रिमूव द रिक्वायरमेंट टू information द HMRC. टू to NCA रिपोर्ट टू एन मतलब आप अगर रिपोर्ट करते हैं एन को नैशनल क्राइम एजेंसी को तो उसका हरगज ये मतलब नहीं है कि आप अब एच एम आर सी को रिपोर्ट करने के लिए की जरूरत नहीं है आपको एच एम आर सी को रिपोर्ट करना है नेशनल क्राइम एजेंसी को रिपोर्ट करना है इसीलिए दैट a टू to NCA does डज नॉट रिमूव द रिक्वायरमेंट टू the द to टू एच सिर्फ एनसीए को रिपोर्ट कर देना काफी नहीं है अगर आपकी ड्यूटी है तो आपको एच को भी रिपोर्ट करना अब इस सिलसिले में डिसऑनेस्ट कॉन्डक्ट ऑफ टैक्स एजेंट देविल पेनल्टी ऑफ अप टू फिफ्टी थाउजेंड पाउंड फॉर डिस कॉन्डक्ट ऑफ टैक्स एजेंट टैक्स एजेंट्स पे भी फिफ्टी थाउजेंड की पाउंड की पेनल्टी हो सकती है इनकेसिस विद द पेनल्टी HMRC may publish details may publish detail of the penalised tax agent and with agreement of tax tribunal HMRC can access the working paper of a dishonest or agent